नमस्कार, राम राम। कैसे हैं सब? स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भारतीय कल्चर में। आज हम आपको नाड़ी के बारे में बताएंगे। नाड़ी क्या है, वो कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। आपके शरीर में तीन नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इसको दूसरे नामों से भी जाना जाता है, एक सूर्य नाड़ी, एक चंद्र नाड़ी और एक मध्य नाड़ी। ये तीनों नाड़ियाँ शरीर के हर अंग में उपस्थित हैं। इनके अपने अपने प्रभाव हैं, शरीर के हर अंग में इनका अपना असर है। जब जरूरत पड़ती है तो ये नाड़ियाँ बढ़ती हैं और कम होती हैं। इनके माध्यम से ही शरीर के जीव का संचालन होता है, प्राण का संचालन होता है। इसमें आता है एक नाड़ी शोधक प्राणायाम। इसका मतलब है नाड़ियों को शुद्ध कर दें ऐसे प्राणायाम। नाड़ियाँ शुद्ध हैं तो आप स्वस्थ हैं, नाड़ियाँ विकृत हैं तो आप अस्वस्थ हैं। इसलिए प्राणायाम योग को उत्तम बताया गया है। आपकी एक नाड़ी है दाहिनी नाक में, जिसको कहते हैं सूर्य नाड़ी, और एक नाड़ी है बाई नाक में, जिसको कहते हैं चंद्र नाड़ी, और एक है मध्य में, यह मध्य नाड़ी है। मध्य नाड़ी सबसे अच्छी मानी जाती है सूर्य और चंद्र नाड़ी की तुलना में। मध्य नाड़ी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को नियंत्रित करने में बहुत मदद करती है। सूर्य नाड़ी का काम है आपको गुस्सा दिलाना, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाना, आपकी शुगर बढ़ाना, अपने उत्तेजना पैदा करना। आप जानते हैं, आप जितने भी खराब शब्द अपने जीवन में बोलते हैं वे सब इस सूर्य नाड़ी के प्रभाव से ही है। भागवत जी कहते हैं कि खराबी नहीं होगी तो जीवन में जीवन नहीं है। इसे थोड़ा गुस्सा भी होना चाहिए, थोड़ी उत्तेजना भी होनी चाहिए, थोड़ी खराबी होनी ही चाहिए, थोड़ा चिड़चिड़ापन भी होना चाहिए, थोड़ा दूसरों के बारे में खराब सोच आए, ये एक नॉर्मल सी बात है। जब जिसकी ज़रूरत है वह सब उस समय चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप सदग्रस्त हैं, कोई संत नहीं है, संतों के लिए ये सब नहीं है। सूर्य नाड़ी नहीं होगी तो कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकता। सूर्य नाड़ी की ताकत पर ही जीवन आगे बढ़ता है। ये सब जरूरत के हिसाब में आप में होने ही चाहिए। लेकिन विज्ञान कहता है शरीर में ऐसी व्यवस्था है कि गुस्सा ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता, उत्तेजना ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती, दूसरों के प्रति खराब विचार, दूसरे के प्रति घृणा ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगा। आपने कभी नोट किया है, जब आप कोई काम करते हैं, मेहनत करते हैं तो आपका बीपी बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद शांत हो जाता है। लेकिन अगर आप बीपी के मरीज हैं तो आपका बीपी बढ़ता है लेकिन घटता नहीं है। शुगर भी बढ़ता है जब आप कोई काम करने जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद कम भी हो जाता है। ये सारी चीज़ें नाड़ी से संबंधित हैं, और वह है सूर्य नाड़ी। इसकी हमारे जीवन में बहुत अधिक आवश्यकता है। हमारा जीवन सूर्य नाड़ी से ही चलता है। फिर इसके विपरीत आती है चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी वही है जो आपको कल्पनाशीलता दिखाए, आप में प्रेम, वात्सल्य, करुणा, दया, ममता, ये सारे गुण पैदा करती है। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत होशियार हैं, आप बहुत ईमानदार हैं, आप हमेशा सत्य बोलते हैं, कभी भी दूसरों की बुराई नहीं सुनते हैं, दूसरों की बुराई करते भी नहीं हैं, तो समझ लीजिए आप चंद्र नाड़ी के प्रभाव में हैं। चिकित्सा करने वाले लोग नाड़ियों के हिसाब से ही मनुष्य के स्वभाव का वर्गीकरण करते हैं, आदमी चंद्र नाड़ी वाला है या सूर्य नाड़ी वाला है। इसके बाद उसकी आंखें देखकर हम पता करते हैं कि आदमी किस कैटेगरी वाला है। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती हैं, और आंखों से कोई बच भी नहीं सकता है। इसलिए दुनिया के हर एयरपोर्ट पर आंखों का ही परीक्षण होता है, क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलती हैं। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी के वर्गीकरण से दवाओं का वर्गीकरण हो जाता है कि सूर्य नाड़ी वाली दवाई देनी है या चंद्र नाड़ी वाली दवाई देनी है। इसके बाद स्वभाव का परीक्षण करते हैं, और अंत में दो या तीन दवाएं ही बनती हैं। तो ये सारी दवाओं का खेल नाड़ियों से ही संचालित है। मध्य नाड़ी दोनों नाड़ी के बीच वाली नाड़ी है। मध्य नाड़ी वाले पेशेंट न तो ज़्यादा गुस्सा करेंगे, न ज़्यादा ठंडा रहेंगे, न तो ज़्यादा उत्तेजित होते हैं और न ज़्यादा शांत होंगे, ना तो ज़्यादा किसी से घृणा करेंगे और ना ही ज़्यादा किसी से प्यार करेंगे। वो हैं बीच नाड़ी वाले। आयुर्वेद यही कहता है कि बीच वाला रास्ता ही अच्छा है। बहुत सदगुण भी नहीं चाहिए और बहुत अवगुण भी नहीं चाहिए, बीच वाला रास्ता ही चाहिए। चंद्र नाड़ी ज़्यादा सक्रिय होने से मनुष्य कायर हो जाएगा और नपुंसक भी हो जाएगा। जब नाड़ी चंद्र नाड़ी बहुत सक्रिय हो जाती है तो बिल्कुल कायरता, बिल्कुल नपुंसकता आ जाती है। ऐसी स्थिति में इलाज करने में काफ़ी दिक्कत आती है। इसलिए आपके जीवन में सब चीज़ें संतुलित होनी चाहिए, वही जीवन में सबसे अच्छी स्थिति है। भारत के किसी भी ऋषि ने सदग्रस्तों के लिए सब कुछ त्यागने की बात नहीं कही है। इस देश में सभी शास्त्र यही कहते हैं कि त्याग के साथ भोग करना है। सिर्फ त्याग नहीं करना है, सिर्फ भोग नहीं करना है,
सदग्रस्तों के लिए कमंडल लेकर हिमालय में नहीं जाना है। त्यागपूर्वक भोग मध्य नाड़ी कराती है और प्रेमपूर्वक गुस्सा भी मध्य नाड़ी कराती है। माँ जैसी है मध्य नाड़ी। सामान्य रूप से स्वस्थ स्त्रियाँ हैं उनकी मध्य नाड़ी ही प्रबल होती है। सामान्य रूप से जो स्वस्थ पुरुष हैं उनकी सूर्य नाड़ी प्रबल होती है। सामान्य रूप से जो बच्चे हैं उनकी चंद्र नाड़ी प्रबल होती है। जिनकी चंद्र नाड़ी प्रबल होगी वो कफ प्रधान ही होंगे। जिनकी सूर्य नाड़ी प्रबल होगी वो पित्त प्रधान होंगे। वात वाले लोग मध्य नाड़ी वाले होते हैं। अब ये नाड़ी पहचानोगे कैसे? तो एक तरीका है कि आपकी कौन सी नाड़ी प्रबल है ये जानने के लिए नाक के नीचे उंगली रखें और देखें कि वायु दाहिनी नाक से चल रही है या बाईं नाक से चल रही है। जिस नाक से तेज चल रही है वही नाड़ी आपकी है। यदि दाईं नाक से तेज चल रही है तो सूर्य नाड़ी, यदि बाईं नाक से चल रही है तो चंद्र नाड़ी, यदि दोनों के मध्य में चल रही है तो मध्य नाड़ी। यदि सूर्य नाड़ी चल रही है तो आप पित्त के प्रभाव में है, यदि चंद्र नाड़ी चल रही है तो आप कफ के प्रभाव में है, और यदि मध्य नाड़ी चल रही है तो आप वात के प्रभाव में है। अपना इलाज करते समय या दूसरों का इलाज करते समय यह ध्यान रख सकते हैं कि आप किस नाड़ी के प्रभाव में हैं, पित्त के या कफ के। उसी के अनुसार आपको नियम का पालन करना है, उसी की दवाएं खानी है। दवाओं में जैसे मेथी दाना वातनाशक और कफनाशक दोनों है, त्रिफला का चूर्ण वातनाशक कफनाशक दोनों है, इस तरह अजवाइन भी पित्तनाशक है। इस बात का ध्यान रखना है कि जो बड़ा है उसे बढ़ाने वाली दवाएं नहीं खानी है। नाड़ी से इतना ध्यान रखना है जो चल रही है उसकी उल्टी दवा खानी है। जैसे चंद्र नाड़ी चल रही है तो नियंत्रित करने के लिए दवा खाना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। यूट्यूब पर राजीव दीक्षित जी को अवश्य सुनना। धन्यवाद।